मैं फर्स्ट टाइम बॉम्बे में अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ और मैं समझती हूँ कि सच में ये मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि आज पंकज बैरी सर हो, मिथिलेश सर हो और बहुत जानी मानी हस्तियाँ आए हैं आज मुझे आशीर्वाद देने के लिए, ब्लेसिंग देने के लिए। तो आई थिंक इट्स माई लक एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी। आई थिंक कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन इस साल वर्थ रहा, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक यू सर फॉर कमिंग टू माई बर्थडे पार्टी एंड गिविंग मी सच अ वंडरफुल ब्लेसिंग। बर्थडे के बारे में क्या कहा जाएगा, बर्थडे के बारे में यही कहा जाएगा कि मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। एक्चुअली नगमा को मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ, शायद जब नगमा का आगमन हुआ था मुंबई शहर में तब से जानता हूँ। यस, और शी इज़ वेरी नाइस गर्ल, बहुत ही अच्छी लड़की हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत टैलेंटेड है। अभी टैलेंट सामने आया नहीं, आने वाला धीरे धीरे, तो उस आने वाले टैलेंट के लिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और मेरा प्यार मेरा आशीर्वाद नगमा के साथ है। थैंक यू सो मच सर। मैं नगमा के बारे में क्या कहूं, ये बतौर नगमा भी खूबसूरत हैं, बतौर लड़की भी खूबसूरत हैं और बतौर बर्थडे गर्ल भी बहुत खूबसूरत हैं। इनकी खूबसूरती के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि ताज़िंदगी और जब तक की कायनात रहे तब तक इनकी खूबसूरती, इनका टैलेंट ऐसे ही बरकरार रहे और हम हमेशा चाहे लाठी टेक कर ही आएँ लेकिन आएँ ज़रूर कि हैप्पी बर्थडे टू यू। फिर मैं आसाम से हूँ, गुवाहाटी, वहाँ पे मैंने थिएटर किया है, आर्ट फिल्म्स किए हुए हैं, मैंने सीरियल्स किया है वहाँ पे, म्यूज़िक एल्बम किए हैं काफ़ी। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि बचपन से ही मैं कल्चरल और आर्ट के प्रति बहुत यू नो अट्रैक्टेड हूँ। मुझे कुछ भी हो जो आर्ट और कल्चर से रिलेटेड हो मुझे बहुत पसंद है। तो उसके बाद फिर मैं चली आई बॉम्बे, मैं आई थी 6-7 साल पहले लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद कुछ हो नहीं पाएगा बॉम्बे में, तो फिर मैं 7-8 महीने रहने के बाद मैं चली गई। और फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, इस तरीके से हार मानूंगी तो नहीं चलेगा, लाइफ इज़ ऑल अबाउट स्ट्रगल। तो फिर मैं बॉम्बे चली आई और इस बार तो ठान के आई हूँ कि कुछ करना है और कुछ करके दिखाना है। तो 3 साल हो गए हैं बॉम्बे में आए हुए मुझे, तो अभी मैंने 3 शॉर्ट फिल्म्स किए हैं जो अगले महीने रिलीज़ है, मलिका, फरेब और ख्वाहिशें। मैंने साउथ में अभी रिसेंटली एक मूवी की है, कन्नड़ मूवी, जिसका नाम है चाणक्षा, वो अगले महीने रिलीज़ हो रही है। मेरा म्यूज़िक एल्बम आ रहा है दिल जानिया और मैंने आपका जी टी वी के लिए मैंने शोज़ किए हैं, सीरियल किया है, मैंने जूम के लिए शो किया है और अश्विनी कालसेकर मैम के साथ मैंने सीरियल किया है इनके साथ और सुलभा आर्या जी के साथ। तो चल रहे चीज़ें अभी धीरे धीरे, आप लोग और देखते जाएंगे। हाँ, अभी फ़िलहाल मैं और कई यू नो शॉर्ट फिल्म्स कर रही हूँ और वेब सीरीज़ कर रही हूँ एक, तो वो बहुत रिनाउन प्रोडक्शन हाउस से, बट अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। नगमा जी के बर्थडे पे सिर्फ ये कहेंगे कि देखिए कितनी चिल्लाने की लड़कियाँ पागल हो रही हैं बर्थडे पे, चिल्ला चिल्ला के, मतलब बहुत मज़ा आ रहा है। और तहे दिल से मैं नगमा जी को सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और खुदा से दुआ करता हूँ कि हर साल ये इसी तरह बहुत खुश हो के और कामयाबी के साथ और एक अच्छी सेहत के साथ अपनी सालगिरह इसी तरह अपने यारों दोस्तों के साथ और अपने चाहने वालों के साथ मनाते रहे, जिसमें मैं भी शरीक रहूँ इंशाल्लाह। एंड वांट टू विश हर ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द कमिंग ईयर। थैंक यू सो मच। विशिंग हर लॉट ऑफ सक्सेस, हैप्पीनेस, गुड हेल्थ एंड एवरीथिंग दैट शी विश एंड डिजायर फॉर। थैंक यू। मैं कहना चाहूँगी हैप्पी बर्थडे और ये अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस करें, बहुत खुश रहें, सबसे सबसे ज़्यादा ये खुश रहें, यही इम्पोर्टेंट लगता है। और ये बहुत अच्छी एक्टर है, बहुत अच्छी टैलेंटेड लड़की है, इसमें इतना टैलेंट है, अभी आया नहीं है बाहर, जब आएगा जब सबसे पता चलेगा। शी इज़ वेरी गुड, वेरी अमेजिंग। हैप्पी बर्थडे नगमा, वेरी टैलेंटेड गर्ल, विश यू अ वेरी हैप्पी हेल्दी एंड हेल्दी। हम लोग एक डांस शो पर मिले थे जहाँ पर इसने
बेसिकली मुझे मेकअप का तो बचपन से शौक है, लेकिन मैंने आई डोंट नो इफ यू गाइस नो दिस मेकअप आर्टिस्ट कॉल्ड ब्लेस योर फेस सीखा था, और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं एक्चुअल मेकअप आर्टिस्ट बनूंगी, बिकॉज बहुत इनका बहुत अच्छा था इसलिए, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आज मुझे इनका मेकअप करने को मिला। थैंक यू, मुझे इतना ट्रस्ट किया उनकी बर्थडे पे मैंने मेकअप कर सकता। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी लुक नो प्रीटी, यू आर एज इट इज यू वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच बेबी, थैंक यू। बर्थडे है किस तरह से जाने के बारे में कह रहे हैं? सो दिस इज माय सिस्टर, कैसे हो इसको रो में दिल से मैं प्रे करती हूँ मेरे उम्र भी इसको लग जाए और बहुत आगे बढ़े, मैं दिल से चाहती हूँ। बहुत बड़ी एक्ट्रेस बने हैं, फ्रॉम आसाम से आई है, इतने छोटे से शहर से बॉलीवुड में आई है कुछ धमाल करने के लिए, कुछ बहुत अच्छा करे धमाल करे। मेरी जो विश से हमेशा इसके साथ है और मैं हमेशा आशीर्वाद करती हूँ, मैं उससे बड़ी सिस्टर हूँ, सो मैं दिल से साथ भी हूँ, ये बहुत आगे बढ़े। गॉड ब्लेस हर, हैप्पी बर्थडे माय स्वीट। थैंक यू सो मच। और आप खुद एल्बम वगैरह निकालते रहते तो नगमा जी को कब मौका देने वाले? नगमा जी मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड है और इनको भी याद है जब बॉम्बे में आई थी नई तो तभी हमने प्लान किया था, फिर मुझे छोड़ के पता नहीं कहाँ चली गई। कम से कम 7-8 साल पहले हम एक ही बिल्डिंग में रहते थे लेकिन कभी हम मिले नहीं, देखते रहे एक दूसरे को, बट फाइनली शायद 5-6 साल बाद मुलाकात हुई है। और मैं देख रहा हूँ कि नगमा पहले से और ज़्यादा खूबसूरत हो गई है। शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है कि हम लोग बहुत जल्दी काम करेंगे, और आज जैसा कि इनका 18th बर्थडे है 18 हाँ, तो मेरी गुड विशेज है नगमा के लिए हमेशा, और मैं गुनगुना के मैं अपना गाना इनको सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में, मैं पी गया मिला के जवानी शराब में, सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। Wish you happy birthday, Nagma. Thank you so much. Thank you so much, dear friend. Thank you so much. भाई जब आपने सारा कुछ कहते तो मैं और क्या बोलूँ, शी इज एज इट इज सो ब्यूटीफुल, और बर्थडे है तो इससे बड़ा दिन मेरे हिसाब से कोई नहीं होता, और आई विश ऑल द बेस्ट, शी इज अ वेरी डियर फ्रेंड एंड आई होप के शी ओनली हैज स्माइल्स एंड हैप्पीनेस इन हर लाइफ। जस्ट कीप वर्किंग हार्ड, वंस यू वर्क हार्ड यू विल ऑलवेज बी सक्सेसफुल, दैट्स इट, और क्या बोलना है, मेहनत करोगे नहीं तो लॉटरी खरीदोगे नहीं तो लगेगी कैसे। यार पुरानी बातें मत कर, अभी छोड़, नई बातें कर, अभी बर्थडे की बात कर, बाकी ऐसे पुरानी बातें मैं बिल्कुल जवाब नहीं दूंगा, बट आई विल से वन थिंग, हैप्पी बर्थडे टू दिस गर्ल एंड गॉड ब्लेस हर एंड मे शी ओनली बी हैप्पी एंड मेनी मेनी मोर बर्थडेज टू कम। थैंक यू सो मच। व्हाट अबाउट द फ्यूचर, व्हाट प्रोजेक्ट्स यू आर वर्किंग ऑन, स्क्रिप्ट यू आर लुकिंग फॉर, समथिंग यू विल ऑल नो वेरी वेरी सून, वेरी सून, समथिंग यू वांट टू डिस्क्लोज एट नाउ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे टू यू, यू ही मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, खुश रहो, फिट रहो, स्वस्थ रहो,
और ये मैं दुआएं देना चाहता हूँ कि बहुत तरक्की करें, बहुत आगे बढ़ें, यूँ ही खुश रहें हमेशा, और वैसे भी बहुत आगे जाने वाली हैं मुझे ऐसा लगता है। इनके बारे में मैं बोलना चाहूँगी, ये बहुत बेहतरीन एक्टर है, थिएटर से हैं, इन्होंने टी सीरीज का एल्बम किया है, इनकी मूवी जाने वाली है प्रकाश झा के बैनर से, 17 को शादी है विद जॉन अब्राहम, और बाकी ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और ये दुनिया में हर इंसान को खुश रखना उनको आता है कि हर इंसान को कैसे खुश रखा जाता है, और गुस्सा इस इंसान में है ही नहीं, और आज के डेट में ये सबसे करीबी दोस्त है हमारे, और मैं सच में भगवान को शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि ज़िंदगी में एक सच्चा दोस्त पाना मुझे लगता है सबसे मुश्किल काम है, और ये मुश्किल काम मेरे लिए आसान हो गया है क्योंकि शायद मेरे इस बर्थडे में मुझे उन्होंने भगवान ने ऐसा दोस्त दिया है एज अ गिफ्ट, सो आई फील वेरी लकी दैट आई हैव मिस्टर अर्जुन यादव एज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। मेरे अभी दो गाने आने वाले हैं, एक दिल जाने है, एक रंग दे है, एक वेब सीरीज आने वाली है, और एक अभी मैंने ऐड किया है जिधर इनका वो आने वाला है, कुछ शॉर्ट फिल्म है वो आने वाली है।